हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन एकेडमी। आज अकाउंट्स में कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी में ये एक नया दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें बी एम एंड सी आर पार्टनर्स विथ 5:3:2 प्रॉफिट लॉस रेशियो। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म एज ऑन 31 मार्च 2023 इज एज फॉलोज। कैपिटल है बीएमसी की 75, 45, 65, क्रेडिटर्स से 45, बिल्स पेबल 7 एंड रिजर्व फंड 5000। उधर लैंड बिल्डिंग है 1,28,000, मशीन 60, इन्वेस्टमेंट 12,000, बिल्स पेबल 5200, स्टॉक 9,000, कैश 12,800, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000। फिर बोला है बिजनेस वॉज कन्वर्टेड टू एल लिमिटेड, मशीन वॉज वैल्यूड एट 80, स्टॉक 12, लैंड बिल्डिंग 62,800, अदर एसेट्स एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट कैश एंड इन्वेस्टमेंट, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 40,000, कंपनी पेड 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹100 एंड बैलेंस कैश। पार्टनर सोल्ड इन्वेस्टमेंट एट 10,000, 7,000 शेयर्स एट 12 एंड अदर शेयर्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो प्रिपेयर अकाउंट्स। तो भी सारे अकाउंट्स हम इसमें बनाएं तो पता है क्या क्या करना है हमको। सबसे पहले जो है वो इसकी बैलेंस शीट जो है हम लोग खाली कर देंगे। बैलेंस शीट में जैसे है कैपिटल है बीएमसी की, पहले पहले लायबिलिटी साइड से वो रख देते हैं, बाय बैलेंस बीडी 75,000 और इसकी 45,000, सी की है 65,000। फिर है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, तो इधर लेके आएंगे बाय सैलरी लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स से 45,000 एंड बिल्स पेबल है 7, आउटर आ जाएंगे 52,000। फिर है रिजर्व फंड, तो 5,3,2 से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फाइव थ्री टू से करेंगे तो 2,500, 1,500 और इसको आएगा 1,000। ओके, हो गया 5,000। एसेट साइड आते हैं तो वो लेके आएंगे लैंड बिल्डिंग है 128, मशीन 60, इन्वेस्टमेंट 12, बिल्स रिसीवेबल 5,200, स्टॉक दैट इज 9,000। इसका टोटल लेके आऊँ मैं कैलसी पे करके 1,28,000, 60,000, 12,000, 5,200, 9,000, 2,14,200। फिर से देख लें एक बार, 128, 60, 12, 52,
नाइन ओके। देन आफ्टर है कैश, कैश लिया नहीं है कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिए, वो ध्यान रखना। कैश ले कहेंगे कैश अकाउंट में टू बैलेंस बी दी 12,800। देन आफ्टर इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 15,000, दैट ऑल्सो इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एज पर 5,3,2, तो 15,000 के 10 पार्ट करेंगे, वन पार्ट होगा 1,500 का, फाइव पार्ट होंगे 7,500, 4,500। इसके अकाउंट में लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको आएगा 3,000। ये हो गए हमारी बैलेंस शीट खाली। अभी परचेज कंसिडरेशन हम कैलकुलेट करें। तो गुडविल बोला है 40,000 लेना है, मशीन 80, स्टॉक 12, लैंड बिल्डिंग 62,800। अदर एसेट्स बोला है बुक वैल्यू पे, उसमें कैश और इन्वेस्टमेंट नहीं लेना है। तो बचा क्या, मशीन आ गई, लैंड बिल्डिंग आ गई, इन्वेस्टमेंट लेनी नहीं है, स्टॉक आ गया, बिल्स रिसीवेबल। तो इसका टोटल कर लें हम 40,80,12,62,800, 2,00,000 टोटल एसेट्स है। लेस लायबिलिटी करूं तो उसमें है 52,000 की, कौन से, ये वाले, तो 1,48,000 जो है वो परचेज कंसिडरेशन है। उसमें शेयर्स है 1,00,000 के, तो कैश है 48,000। इधर लिख दूँ बाय एल लिमिटेड अकाउंट 1,48,000, ये परचेज प्राइस हो गई। कंपनी ने अभी इन्वेस्टमेंट बेची थी 10,000 में, तो डाल देंगे बाय बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट 10,000। इधर आ जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। 48,000 एल लिमिटेड से आया, एल लिमिटेड तो इस तरह से कैश अकाउंट में एक एंट्री आई किसकी, इन्वेस्टमेंट सेल आउट की, रियलाइजेशन में क्रेडिट और कैश में डेबिट। फिर आए तो एल लिमिटेड से जो मिला था 48,000 डाल दिया, 1,00,000 कैश शेयर्स थे और 48,000 के कैश। अभी बोला है कि 7,000 शेयर 12 रुपये से सेल आउट कर दिए, तो वो डाल दूंगा इक्विटी शेयर अकाउंट
84,000। 7,000 शेयर जो है 10 रुपये से 70,000, बट इन्होंने जो है वो 12 रुपीज़ से सेल आउट किए, तो 2 रुपीज़ जो प्रॉफिट है वो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड डाल दूंगा बाय इक्विटी शेयर्स अकाउंट सेल का प्रॉफिट है ये 14,000। अभी ये अकाउंट करेंगे हम टैली, प्रॉफिट निकालेंगे इसका 52 प्लस 148 प्लस 10 प्लस 14,000 माइनस 2,14,000, तो 9,800 का प्रॉफिट है वो लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट BMC बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वाला नहीं है ये, इनके नाम होंगे शॉर्ट में लिया गया है, तो बी को जाएगा 4,900, इसको एम को 2,940 और इसको 1,960, तो ये हो गया 2,14,200 एंड 9,800, 2,24,000। दिस अकाउंट इज क्लोज्ड नाउ। Now I will write the profit what was the profit 4,900 2,940 और इसको मिला 1,960, रियलाइजेशन का प्रॉफिट हो गया। अभी बोला था जो बचे हुए शेयर्स है इनको प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में देने हैं। 10,000 शेयर्स मिले थे उसमें से इन्होंने 7,000 शेयर्स बेच दिए, तो बचे कितने 3,000 शेयर्स 10 रुपीज़ के, 30,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 5, तो इसको आएगा इक्विटी शेयर्स इन एल लिमिटेड 15,000, इसको आएगा 9,000 और इसको 6,000 बैलेंस। अब इनको क्या दे देंगे, बचा क्या कैश, तो बी का निकालें 75,000 प्लस 2,500 प्लस 4,900 माइनस 7,500 एंड 15,000, तो इसको कैश जाएगा 59,900 और एम भाई साहब को 35,940 और सी भाई साहब को 58,960 कैश अकाउंट में डाल देंगे। कैश का कोई इनका कोई खर्चा था नहीं, बाय कैपिटल अकाउंट बी एंड सी। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है 59,900 इसको है 35,940 और इसको है 58,960। कैश अकाउंट का टोटल टैली कर लें 12,800 देन आफ्टर 58,000 एंड 84,000 दैट बिकम्स 1,54,800 माइनस 5,990 35,940
58,960. Now let's tally the capital account. That means I have to write the total. Hope you would be understanding words coming out of my mouth. What I say is enjoy what you do, whether it is study, it is not study, sports, newspaper reading, movies watching, in this way you saw your sum is being completed. पहले क्या किया हमने, बैलेंस शीट को खाली किया, कैपिटल ले गए तीनों के कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करके दे दिया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट दिया क्योंकि वो एसेट साइड था, कैश ले गए कैश अकाउंट में, एसेट रियलाइजेशन के क्रेडिट और लायबिलिटी रियलाइजेशन के डेबिट। उसके बाद सवाल आया परचेज कंसिडरेशन का, तो वो हमने कैलकुलेट किया, एसेट जो जो जितनी वैल्यू से बोला था वो, और जो बुक वैल्यू से बोला था बुक वैल्यू से, गुडविल बोला था, मशीन न्यू वैल्यू से, स्टॉक न्यू वैल्यू से, लैंड बिल्डिंग न्यू वैल्यू से, बिल्स रिसीवेबल ओल्ड वैल्यू से, कैश और इन्वेस्टमेंट नहीं लिया, इसलिए कैश कैश अकाउंट में गया था और इन्वेस्टमेंट बाद में सेल आउट किया कंपनी ने खुद। लायबिलिटी माइनस की तो परचेज कंसिडरेशन है 148,48,000, जिसमें 100,000 के शेयर्स है, 48,000 कैश, कैश डाल दिया कैश अकाउंट में डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दी तो रियलाइजेशन क्रेडिट और कैश डेबिट, परचेज कंसिडरेशन डाल दिया रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। शेयर्स जो है 7,000 शेयर्स 12 रुपीज से सेल किए तो जो 14,000 प्रॉफिट है वो रियलाइजेशन में क्रेडिट डाल दिया और 84,000 कैश अकाउंट में डेबिट डाल दिया। प्रॉफिट फाइंड किया रियलाइजेशन का 532 से दोनों को तीनों को दे दिया। शेयर्स जो बचे थे बाकी के 3,000 शेयर्स 10 रुपीज से वो पी एन एल रेशो में दे दिए तीनों को, और बैलेंस जो बचा इन तीनों को कैश दे के और कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज। था कुछ हार्ड? कुछ भी हार्ड होता नहीं है, आप सिर्फ पीछे लगे रहो। इसी तरह से आप पीछे लगे रहो कि मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब खुद तो करो ही करो और औरों से भी ज़रूर करवाओ। तो वेट करिए, मैं भी आपका वेट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर का।